नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका योग गति चलते चलते योग भारत योग की विशेष प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के उपलक्ष्य में। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी चिंता। स्ट्रेस से बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो अगर आप चाहतों से दूर हो जाएं, तो आप चिंताओं से भी दूर हो जाएंगे। अट्टहास का अभ्यास जरूर करें, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसें। थोड़ी देर के लिए नेचर वॉक जरूर करें, और नेचर वॉक करते करते सेल्फ टॉक करें अपने आप से। अपने आप से बात करें, अपने आप को बताएं दैट एवरीथिंग इज़ गोना बी ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गोना बी परफेक्ट, क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं। स्लो वॉक करें नेचर के साथ, और कॉन्फिडेंस मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करें। थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देना, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, और स्वयं को बताना दैट नथिंग बैड कैन एवर हैपन टू मी, नथिंग रॉन्ग कैन एवर हैपन टू मी, एवरीथिंग्स गोना बी परफेक्ट। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, लेकिन जाने से पहले हमारे नुस्खे जरूर लेते जाएं। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन लेस होना होगा, फोन लेस होना होगा। एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करें, इस अवधि में मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, स्क्रीन नहीं यूज़ करूँगा, अपने साथ समय बिताऊँगा। अगर आप भी स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं, तो दूसरा काम आपको करना है विटामिन डी खूब लें, यानी कि सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर बैठें, जितना हो सके सूर्य की किरणों को ग्रहण करें, विटामिन डी लें, मेडिटेशन नियमित रूप से करें, और सत्संग ज़रूर करें। सत्संग का अर्थ सिर्फ किसी को सुनना नहीं, सत्संग, अच्छे संग के साथ रहें। अकेले में समय थोड़ा कम बिताएं, जो भी आपकी कंपनी ऐसी है जिसके साथ आपको मोटिवेटेड फील होता है, अच्छा फील होता है, उसकी संगति में रहें, सत्संग करें।